जब आप बहुत सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और रैंडमली आप किसी की भी रिस्पेक्ट और किसी की भी रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनसे आप ऐसे ही बात करने लग रहे हैं, तो यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू जो सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन होता है, शोषण होता है, ठीक है, जिसमें आपको बाद में ब्लैकमेलिंग के थ्रू, ब्लैकमेल करते हुए आपसे पैसा मांगा जाता है, ठीक है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सटोर्शन कहते हैं, जहां पर आप फंस जाते हो अपनी फोटो की वजह से या वीडियोस की वजह से, और आप फंस जाते हो इन द सेंस आप अपने दिमाग में ऐसा हुआ बना लेते हो कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, और उस वजह से आप डर के मारे पैसा देना शुरू कर देते हो। यहां पर सोशली भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें समझने की जरूरत है, और उस बंदे की भी जिम्मेदारियां हैं, तो दोनों वे से आज हम बात करेंगे। तो ऐसा कैसे होता है, सबसे पहले तो सोशल मीडिया, ठीक है, गेटिंग टू नो, मतलब आएगी रिक्वेस्ट, हमने एक्सेप्ट कर ली बिना जाने कि कौन है क्या है, उसके बाद फिजिकल अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। फिजिकल अट्रैक्शन के बाद क्या होता है सेक्सटोर्शन में, फिजिकल अट्रैक्शन के बाद अगर गलती से भी आपने उनसे कुछ इंटीमेट वीडियोस या फोटो शेयर कर लिए, तो वहां से आपको वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, वो शेयरिंग करना, ये जो वीडियोज और फोटोज हैं यहां से ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, और फाइनली वो आपसे, वो शायद लड़की या लड़का नहीं मांगे लेकिन उसके पीछे जो रैकेट काम कर रहा है वो आपको ब्लैकमेल करता है ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, आपको बताता है कि ये वीडियोस मैं वायरल कर दूंगा, ये फोटोज मैं आपके पापा को शेयर कर दूंगा, आपकी फैमिली में शेयर कर दूंगा, नहीं तो मुझे इतने पैसे दो बकायदा, और उसके बाद परेशानियां शुरू होती है, इसी को बोलते हैं सेक्सटोर्शन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने की बहुत सारी ऐसी चीजें, और फाइनली मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, कैसे आते हैं, इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं, एक नॉर्मल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आई सॉ योर न्यूज, ठीक है, थॉट कांट वेट टू पोस्ट देम ऑनलाइन, नाउ लुक एट इट, लुक एट द लैंग्वेज, अनलेस यू गिव मी दिस मच ऑफ अमाउंट, दिस मच ऑफ रुपीज। सो इस तरह से आपको मैसेजेस किए जाते हैं, और उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है, ये है समस्या, और उसके बाद ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। आप सोचते हो मैं एक बार पैसा दे दूंगा बच जाऊंगा, नहीं, एक बार पैसा दिए इसका मतलब ये होता है कि वो आपके सिर्फ ये चेक करें कि आपके पैसे देने की कैपेबिलिटी कितनी है, एक बार दिया तो वो आप वापस मांगेंगे आपसे, और आपने पहले 10,000 मांगे तो फिर 20 मांगेंगे, फिर 30 मांगेंगे, समझ रहे हो, वो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और वहां पे फंस जाते हैं, वो टॉर्चर जो है ना वहीं से ही दिमाग हिलता है, और उसके बाद बच्चे ऐसा स्टेप उठा लेते हैं सुसाइड करने की, उनमें थॉट्स आने लगती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे ख़त्म करूं, मैंने ऐसा काम किया है, मेरी फैमिली इसके बारे में क्या सोचेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं।